हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बड़ा अपडेट लेके आए हैं जो कि वन रैंक वन पेंशन सभी डिफेंस पर्सनल के लिए है। उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें कि जो पेंशन रेट्स हैं, पेंशन टेबल्स हैं जो रिवाइज हुए हैं, एरियर रिकवरी के बारे में जो बताया गया है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि ये अभी कल ही का लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही साथ मैं आपको ऑफिस मेमोरेंडम भी दिखाऊंगा, जो डिट्टो जो उसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उनको पॉइंट वाइज पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको एक एक पॉइंट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। और साथ ही साथ आप पूरा वीडियो देखिए, जिस क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट अपडेट की। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड। बेसिकली हुआ क्या है कि वन रैंक वन पेंशन में जो टेबल्स बने थे बेस्ड अपॉन मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन, उसके बेस पे जो कैलकुलेशन होती थी, उसमें जो 101 टेबल ऐसे जो कि अमेंडमेंट हुआ है, उसके बेस पे उन्होंने देखा है किस किस ने अमेंडमेंट हुआ है और किस तरीके से जो है पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। वो जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लेटेस्ट अपेंडिंग 101 पेंशन टेबल्स और उसमें इंडिकेटिंग रेट्स ऑफ पेंशन और फैमिली पेंशन, जो 101 बेसिकली डिफरेंट पेंशन टेबल बनाए गए थे और उसमें जो है पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो है रेट्स थे कि भाई इस रेट के अकॉर्डिंग इतना पेंशन मिलेगा, इस रेट के अकॉर्डिंग इतना पेंशन मिलेगा। अब ORP टेबल्स हैड बिन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ जो ORP टेबल्स बने हैं, जो एवरेज जो है मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का जो था, जो कि 2013 में जो रिटायर्ड सेम रैंक पे हुए थे, सेम लेंथ ऑफ सर्विस हुए थे, उनके लिए जो उस टाइम का जो एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन मिला के जो बना था उसके हिसाब से जो टेबल बने थे। लेकिन इशू क्या है कि इन प्रिपेयरिंग द टेबल्स जो EC और SSC ऑफिसर्स थे अदर देन मेडिकल ऑफिसर, वे वॉज इनएडवर्टेंटली टेकन एज पेंशन ऑफ मेजर इन आर्मी, दिस इज अफेक्टेड द टेबल। जो टेबल्स 5, 14, 23 जो टेबल नंबर्स हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो टेबल्स बनाए गए थे उसमें जो है टेबल्स को प्रिपेयर करते समय डाटा ऑफ पेंशन जो था, क्योंकि सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लोगों का जो है डाटा डालना था, उस केस में क्या हुआ कि ये वाले जो टेबल्स थे ये अफेक्टेड हो गए थे क्योंकि इसमें जो है डाटा ठीक से नहीं गया था। द मॉडिफाइड टेबल्स आर इनक्लोज। अब इन टेबल्स को मॉडिफाई किया गया और उसको बताया गया कि इसमें ये मॉडिफिकेशन है और पेंशन ऑफ द अफेक्टेड पेंशनर्स में भी रिवाइज। तो जिन लोगों के जो है इस टेबल की इशू के वजह से पेंशन में कमी आई थी, उनका जो है रिवाइज किया जाएगा। लेकिन अगर रिवाइज करने के बाद किसी की पेंशन में कमी आती है तो उसको नहीं किया जाए, क्योंकि वो डिसएडवांटेज होगा पेंशनर के लिए। आप देख सकते हैं कि इफ़ पेंशन रिवाइज इन दीज केसेस अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट टेबल, क्योंकि टेबल में अमेंडमेंट हुआ है और उस टेबल के अमेंडमेंट के बाद से अगर पेंशनर्स की पेंशन को रिवाइज किया जाता है और वो लेस आता है, तो उस केस में दैट विल नॉट बी रिवाइज टू द डिसएडवांटेज टू द पेंशनर। उसके बाद से जो टेबल 7 है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है कैलकुलेशन के लिए बनाए गए थे, सेम रैंक पे सेम सर्विस पे जिसने जितना काम किया उसके बेस पे मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज निकाल के बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि जो टेबल 7 में क्या है कि पेंशन रेट ऑफ नायब सूबेदार विथ क्वालिफाइंग सर्विस 13 ईयर्स हैज़ नॉट बीन प्रोटेक्टेड विथ रेफरेंस टू द लोअर रैंक। हवलदार ऑफ सेम क्वालिफाइंग सर्विस 13 ईयर्स जो है, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सर्विस लेवल बनाया गया है और कोई भी एरियर रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट पेंशन वुड हैव टू बी एडजस्टेड। और ये जो टेबल में चेंज हुए हैं उस केस में जो आपको एरियर मिलना है वो एरियर मिलेगा, या किसी को ओवर मिल गया है, ओवर पेमेंट हो गई है, वो सारे के सारे एडजस्ट किए जाएंगे। और ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस ऑर्डर शैल रिमेन अनचेंज। तो दोस्तों, ये है बेसिकली उस ऑफिस ऑर्डर के और सारे पॉइंट जो कि हमने डिस्कस किए हैं ORP से रिलेटेड। बेसिकली इसमें टेबल्स में जो चेंजेस आए हैं, उस टेबल के चेंजेस के बाद से अब दोबारा कैलकुलेशन होगी और रिवाइज जो है पेंशन जिन पेंशनर्स को
टेबल की जो रिवीजन के वजह से या टेबल में इशू की वजह से जो है पहले पेंशन नहीं अपडेट हो पाई थी, अब दोबारा से जो है अब कैलकुलेशन के बेस पे जो है अपडेट होगी। तो दोस्तों ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ORP का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।